उर्दू कॉन्फ्रेंस में हम हर साल आते हैं और ये ज़बरदस्त उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है जो कि शाह साहब की जो है वो बड़ी मेहनतों का समर होती है, जो पूरा साल जो है वो उसके लिए मेहनत करते हैं और बड़ी कामयाब रहती है। जोग जो है यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं, इस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते हैं, तो मैं बहुत अच्छा खुशी महसूस करती हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि ये बड़ा मालूमाती पूरा प्रोग्राम शेड्यूल होता है वो चेंज होता है। कौन सा सेशन सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार रहता है? क्योंकि मैं शायरा भी हूँ, अदीबा भी हूँ, तो मुझे अपना जो है वो शायर प्रोग्राम में चारों अटेंड करती हूँ, तो ये है कि क्योंकि हर एक में आपके आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, और क्या हर प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि आप शायरा हैं तो आप मुशायरा ही अटेंड करें, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि ये चार दिन की जो कॉन्फ्रेंस है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अटेंड कर सकूँ, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो, अवेयरनेस हो और मोटिवेशन हम दो लोगों को दे सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आए और बताएं, अपनी राय दें कि ये कॉन्फ्रेंस किस हद तक कामयाब हुई है। थोड़ा अपना तारुफ भी करवाइए। मैं चूँकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध में, और जो है वो शायरा भी हूँ, अदीबा भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ, एक किताब आ चुकी है मोहब्बत का सफ़र मेरी, और शायरी पे दूसरी की तैयारी है, दूसरी भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, तो और मैंने पूरी कोशिश ये की कि 2019 में लेकर आई मैं अपनी किताब, और चूँकि लोग उस वक्त बड़े डिप्रेशन में थे और मैंने कोशिश ये की कि मोहब्बत का सफ़र जो है वो ऐसा हो कि लोगों में एक जो है वो उम्मीद हो जागने की ना।